कल क्यों राम आएंगे कल। चॉकलेट हाँ चॉकलेट लाएंगे है? लाएंगे? उल्टा उल्टा नानी और आप बताओ क्या क्या लाना है राम। चिप्सी अच्छा राम आए। नमस्कार दोस्तों, मैं भी। हाय निशी करो। बोरा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलो तो अभी हम लोग चल रहे हैं कि मॉल के लिए, और जाना था मेट्रो से, तो पास ही में है तो हम थोड़ा सा पैदल चल लिए और आ गए मेट्रो स्टेशन पे। और यहाँ से हम लोग ने ले ली थी मेट्रो क्योंकि वहीं तक जाती है। अभी बैठ गए मेट्रो में, कैसा लग रहा है? नहीं बाहर नहीं, बंद हो जाएगा। और कई टाइम के बाद बैठी हूँ मैं तो मेट्रो में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चों के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, इनकी शैतानियाँ हर जगह कम होने का नाम नहीं लेती हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई थी और बहुत सुंदर है कलकत्ता। और पहुंच गए थे हम ये मॉल के बाहर, तो इस तरह से देखिए ये बनाया गया है। इतना सुंदर लग रहा था ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा था जैसे सच का ही घोड़ा है। और ये गाड़ी थी पुराने समय की होगी, तो उसे एक बहुत सुंदर रूप दिया गया था। और मॉल था चमक चमक, जहाँ मेरे देखो बच्चे ने मेरे लिए वहीं खोला चका है। चौंध। खुशी और खुशबू अपने लिए ले रहे हैं। ओए ओ ओ देखा, चलो चलो बेटा। और खुशी खुशबू ने देख लिया है अपना जो भी सामान लेना है उन्हें, है ना खुशी? आपने देख लिया है ना बेटा जो भी सामान लेना है आपको? ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं क्या क्या लेते हैं। अब हम आ गए हैं टी जंक्शन में, अब देखते हैं यहाँ पे चाय वाय पीते हैं कुछ। और आ गए थे बच्चों को लेके KFC। क्या ये आपको क्या चाहिए? मुझे सब कुछ खाना। क्या जैसे फोटो लगी है वो खाना? किसमें लगी है फोटो? अच्छा वो KFC जो ऊपर फोटो लगी है, सब कुछ खाना है। और कुछ भी आपको? सब कुछ। अच्छा ठीक है, फिर आ गया है ना, लेके आ रही है मम्मा। ठीक है। और बच्चों की पसंदीदा जगह KFC, जहाँ जाके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो हर कोई बच्चा होता है और हमें भी अच्छा लगता है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुर्तियाँ और जीन्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है। देखते हैं, करते हैं शॉपिंग। कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है मुझे? अच्छा खुशबी को मुझे कुछ दिखाना है। ये किसके लिए? मेरे लिए। हाँ है ना, ये देखो। वाह देखो खुशबी ने मेरे लिए पसंद किया है, देखो अच्छा लगेगा मेरे ऊपर है। अच्छा ये वाला भी? अरे वो अच्छा, अब मैं ऐसे पहनने लग जाऊं? ठीक है। और दिखाओ खुशबी, और कह लू मैं है? पूरा करना है खुशी ने तो। खुशी कह रही है मामा के लिए भी ले लो। कौन सा है ये? मामा के ऊपर अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, रहने दो बेटा। कौन सा लू? बिग। अच्छा ठीक है, ये देखो मेरे लिए पर्स पसंद कर रही है दोनों की दोनों। कौन सा वाला अच्छा लगेगा है? ये वाला ठीक है। अच्छा ये अच्छा लगेगा, ठीक है मैं यही ले लू। अब खुश खुशी ये वाली सही लगेगी है? ये वाली अच्छी है, ठीक है हैं? कौन सी पहनने जाऊंगी? अब बताओ ये सो गई है हैं?
नींद आ रही है? बताओ मामा के लिए घड़ी है? हमारी नई वॉच खरीद लो। अच्छा आपके लिए लेनी है ये वाली? हाँ ये वाली बच्चों वाली आपके लिए। ठीक है मैं क्यों ले जाऊँ? कौन सी पोतरी? बिलिंग कर रही थी, पसंद कर रहे हैं मेरे लिए पर्स। बच्चों देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं सब कुछ। आपको चाहिए थी कोल्ड? और यहाँ पर ना ये सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ जहाँ तहाँ सब जगह बनाई गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं और खूबसूरत तरीके से सजाया गया है मेट्रो स्टेशन को भी। अब आ गए हम लोग मॉल से, अब खाते हैं राजमा चावल। बहुत टेस्टी बने हैं, तन बहुत अच्छे हो रहे हैं। खा लेते हैं फिर हम खाना। और पता है अभी खाना खा के थोड़ी देर हम लोगों ने करा था रेस्ट और अब उठ के पी ली है चाय, मतलब बन रही है चाय, तो बनाते हैं और पीते हैं चाय। और थोड़ी सी चाय से ना थकान, और फिर तक क्या होता है कहीं भी जाते हैं ना तो थकान तो लगी जाती है। और फिर बच्चों के साथ आप देख ही रहते कि बच्चे किस तरह से मॉल में दौड़ भाग रहते, और पता है इन लोगों के साथ ना शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लोग सामान को इस तरह से पकड़ते हैं हर सामान को, तो लगता है कि इनको संभालो या शॉपिंग करो। तो अब ना शॉपिंग करने कुछ तो करके आए हैं, लाए हैं, मतलब कुछ शॉपिंग करके लाए हैं, और कुछ शॉपिंग करने के लिए ना फिर मैं और तन्नो जाएंगे और बच्चों को घर पे छोड़ के जाएंगे, तभी हो पाएगा। और अब पी लेते हैं हम लोग चाय, और थक गए थे तो पीते हैं चाय। और कुछ समय से ना यहाँ पर भी काफ़ी ठंड हो रही है, इस बार तो बहुत ठंड है बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी सभी बता रहे थे इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है। और बाहर तो काफ़ी ठंडा है, अंदर फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे भी कंबल की ज़रूरत पड़ रही है और स्वेटर पहननी पड़ रही है क्योंकि ठंड हर जगह है और यहाँ पे भी ठंड पड़ी हुई है। तो बाहर का मौसम का कुछ इस तरह से है, ये देखिए ये तनु की बालकनी से इस तरह से दिखता है रात को, और पूरा रोशनी का शहर है। देखिए इतनी सजावट ना हर जगह, मतलब लाइट 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 बहुत ज़्यादा लाइट का है। जबकि तनु बता रही थी कि यहाँ पर ना जब वो हो रहा था ना दुर्गा पूजा होती है तो सब जगह लाइट लगी रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट। और ये चल रहा है मेट्रो का काम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तनु लोगों के सामने में ना मेट्रो का काम चल रहा है और ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है अभी काम, मतलब काफ़ी आगे आ चुकी है, बनने की तैयारी हो रही है ये वाले पोर्शन पे पूरा। और कुछ इस तरह का लग रहा है रात का व्यू, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पता है यहाँ पर आके खड़े रहना। और ऐसा लगता है जैसे चंपावत में जगमग जगमग होती है ना बाहर, लेकिन वहाँ इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता, रोशनी तो वहाँ भी बाहर बहुत दिखती है, लेकिन ये तो शहर की बात अलग होती है ना कुछ। तो पी लें हम चाय। ये बच्चों ने देखो तो रूम का हाल क्या करके रख दिया। खुशी ये किसका घर बना रखा है, हैं बेटू? ये देखो पता ठीक करने में रहती है दिन भर ये लोग यही काम करते हैं। राम आएंगे कल चॉकलेट लाएंगे। हाँ चॉकलेट लाएंगे। और आप बताओ क्या क्या लाना है राम? अच्छा राम आएंगे तो इनके लिए चॉकलेट और चिप्स लाएंगे और किंडर जॉय। तो राम भगवान इनके लिए ये चीज लेके आएंगे। और आप लोग क्या करोगे? घर से फूलों को सजाएंगे। अच्छा दीप जलाओगे और फूल से घर सजाओगे? कितना बेटा? इतना सारा है। यहाँ को देखो जय बोलो फिर। जय श्री राम। और सभी को है राम भगवान के आने का इंतजार, खुशी खुशबू को भी है। तो देख लीजिए इस तरह से ये घर सजा रही है अपना।
और आ गई हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। बाय बाय।